ये नौजवान जिनको इमरान नियाजी ने, आपकी बात नहीं कर रहा, जिनको इमरान नियाजी ने बद अखलाकी सिखाई, अपने तर्जुमानों को वो कहता था कि असेंबली में ऑपोजिशन को गालियां निकालो, ये नौजवान जिनको शहबाज शरीफ ने बद अखलाकी नहीं सिखाई, कुल्हाड़े गुलेले डंडे नहीं दिए नौजवानों के हाथ में, शहबाज शरीफ ने नौजवानों के हाथ में लाखों लैपटॉप थमाए और 50,000 नौजवानों को वजाइफ दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां दी गई, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए नौजवानों को हुनर सिखाया गया। तो मेरे नौजवानों, आज आपके पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ की क्यादत में तरक्की का सफर जारी करेंगे। जब तरक्की होगी तो नौजवानों को नौकरियां भी मिलेंगी और नौजवानों का मुस्तकबिल खुशहाल होगा इंशाल्लाह ताला। एक बात आपसे कहनी है, कितना बड़ा दिल होगा उस शख्स का जो अपनी बीमार कैंसर से लड़ती हुई बीवी को उन लम्हात में छोड़कर आपके पास चला आया इस मुल्क की खातिर, कि जब एक एक पल मेरी ताई जान को उनकी जरूरत थी और पाकिस्तान आकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर नहीं गया, जेल जाना पड़ा, नहक जेल काटी, और उन्हीं दिनों में उनको खबर मिली कि मेरी ताई जान की हालत बहुत तश्वीशनाक हो गई है। जेल हुकाम से उन्होंने कहा कि मुझे टेलीफोन पे मेरी बात कराओ, टेलीफोन पे बात नहीं कराई गई और उसी असना में मेरी ताई जान अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिन जिन के लवाकीन फौत हुए, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो जो कायद इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी कौम के लिए देता है, जब जब कौम पर मुश्किल वक्त आया उसने कौम की रहनुमाई की, मुआशी तरक्की दी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हाथ खड़ा कर एहद करो कि नवाज शरीफ के कारनामे उसके हमसफर बनोगे।